हाउ टू रिकवर सस्पेंड यूट्यूब चैनल। हेलो गाइज, आई एम अमृत त्रिपाठी एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सस्पेंड यूट्यूब चैनल को वापस कैसे लाएं। गाइज, काफ़ी लोगों का जो चैनल है वो सस्पेंड हो गया, उस पर दिस सेक्शन इज नॉट अलाउड कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी लोगों ने गाइज बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट उनका चैनल वापस नहीं आ रहा है। गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपका चैनल वापस क्यों नहीं आ रहा है एंड आपका चैनल वापस कैसे आएगा। गाइज, जब भी आपका यूट्यूब चैनल सस्पेंड होता है उसके लिए गाइज आपको एक फॉर्म देखने को मिलता है कुछ इस तरह से। गाइज, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैनल का URL एंड आपको फीडबैक लास्ट में देखने को मिलता है। वो सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड काफ़ी लोग इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं जिनकी वजह से उनका चैनल वापस नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे फ्लिप करना है एंड अपना URL कहाँ से कॉपी करना है। तो गाइज, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताऊँगा चैनल का URL कॉपी कैसे करते हैं। तो चैनल का URL कॉपी करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर देना है गूगल अकाउंट। जैसे गाइज आप लोग गूगल अकाउंट सर्च करेंगे एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गो टू गूगल अकाउंट है, आपको इस पर क्लिक करना है। गाइज, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पर आपको देखने को मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। गाइज, ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्स एंड सर्विस, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। गाइज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डिलीट अ सर्विस है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइज, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ दोबारा से आपको डिलीट अ सर्विस है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपना जो जीमेल है, जिस जीमेल से आपका जो चैनल है बना हुआ है वो सस्पेंड हुआ, उसे यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी चैनल जिस जीमेल से आपका चैनल सस्पेंड हुआ उसे यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा एंड उसका पासवर्ड यहाँ पर आप फिलिप कर दीजिएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट आपको कर देना है। गाइज, जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ गाइज आपको यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको यूट्यूब पर आपको क्लिक करना है। गाइज, जैसे आप यूट्यूब पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ दोबारा से आपको अपना पासवर्ड है उसे यहाँ पर फिलिप करना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर फिलिप कर देता हूँ एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। गाइज, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको देख सकते हैं आपका जो भी चैनल का नेम होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ी देर आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी लिंक टेक्स्ट है, तो इस पर आप जैसे कॉपी यहाँ पर कर सकते हैं एंड यहाँ पर शेयर लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने लिंक को URL को आप यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ से मैं बैक आता हूँ एंड आपको बताता हूँ फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर गाइज फॉर्म के लिए आपको सर्च यहाँ पर सर्च कर देना है सस्पेंड यूट्यूब चैनल। गाइज, यहाँ पर मैं सस्पेंड यूट्यूब चैनल जो है सर्च कर देता हूँ एंड आपको बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है एंड आपका चैनल वापस कैसे आएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पे आपको देखने को मिलता है चैनल और अकाउंट टर्मिनेशन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। गाइज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड यहाँ दिस फॉर्म का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे आप दिस फॉर्म पर क्लिक करते हैं आपका जो भी चैनल सस्पेंड हुआ होगा उसे यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर जीमेल के लोगो पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आप जो भी जिस भी जीमेल से आपका चैनल सस्पेंड हुआ होगा उसे यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा। गाइज, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप जो भी आपने जो अपना URL जो कॉपी किए हैं उसे आप पेस्ट कर दीजिएगा। मैं सिंपली यहाँ पर URL को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद गाइज आपको ऊपर की तरफ आना एंड यहाँ पर आपको योर फुल नेम, आप अपना फुल नेम या फिर अपने चैनल का नेम फुल नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली अपना नेम दे रहा हूँ अभिनव त्रिपाठी एंड यहाँ पर गाइज आपको सेकंड पे ईमेल आईडी जो है पहले से यहाँ पर फिलिप किया हुआ मिलेगा, जो भी आपका सस्पेंड यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी होगा वहाँ पर फिलिप हुआ मिलेगा एंड थर्ड पर आपको एक ईमेल आईडी देना है। आप अपने चैनल का जो ईमेल आईडी है उसे भी दे सकते हैं एंड आप अदर भी ईमेल आईडी दे सकते हैं जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में हो एंड यहाँ पर आपको लास्ट में देना है फीडबैक आपको किस रीज़न से आपका चैनल सस्पेंड हुआ। तो सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया हुआ है एंड आपको इसी तरह से आपको भी लिखना है। तो मैं आपको आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे लिख दूंगा मैं, वहाँ से भी आप इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एंड यहाँ पर आप फिलिप कर दीजिएगा। फिलिप करने के बाद लास्ट में सबमिट है, सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं योर ईमेल हैज़ बीन सेंड, आपने जो भी फीडबैक आपने लिखा है यूट्यूब को आपका चैनल सस्पेंड हो गया है वो यूट्यूब को मेल हो जाएगा। यहाँ गाइज आपको कुछ दिन बाद, यहाँ पर गाइज आपको 2 से 3, 4 से 5 यहाँ पर दिन लग सकते हैं, यूट्यूब आपको मेल करेगा। उसमें गाइज आपका जो है चैनल रिकवर करने के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे एंड अपना पासवर्ड वहाँ पर चेंज करेंगे, आपका चैनल रिकवर हो जाएगा। बट गाइज काफ़ी लोगों ने इस फॉर्म को फिलिप किया है एंड उनका चैनल वापस नहीं आ रहा है। गाइज, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लगा है तो आपका चैनल वापस नहीं आएगा।
गाइज अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा तो गाइज आपके चैनल पे 10% चांसेस होते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका चैनल जो है रिकवर हो जाएगा। एंड गाइज अगर आपका कोई भी रीजन नहीं है इन दोनों में से फिर भी आपका चैनल जो है सस्पेंड हो गया तो गाइज आपका 100% चांस है आपका जो चैनल है वो रिकवर हो जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 से 3 दिन 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं आपको आपका जो चैनल है उसे रिकवर करने के लिए। तो गाइज कैसे लगे इन्फॉर्मेशन एंड कैसे लगे वीडियो? गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।